सर टॉपिक ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, स्टेशनरी वेव्स का ही क्वेश्चन है। पिछले क्लास में इसे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तब तक आप लोग ट्राई करिए। एंड यू नो दैट दिस इज 1:2:3, 1:2:3, दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन स्ट्रिंग अटैच्ड एट बोथ द एंड्स। तीसरा क्वेश्चन है, हाँ शाश्वत ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया। स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली दैट रिजल्टेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम एट एनी गिवन टाइम इज इक्वल टू द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अदर वेव्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉग चेंज। कोई बता सकता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, पैडलेट का लिंक मैंने भेजा हुआ था। अच्छा, फिर से भेज देता हूँ, एक मिनट। हाँ ये देखो मैंने भेज दिया। ठीक है, हाँ तो हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉग चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। कोई बता सकता है कि फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है? मींस यस, बिल्कुल सही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉग डिक्रीजेस। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से लगभग सबने क्लास ज्वाइन कर लिया, तब हम लोग क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेरा आज का टॉपिक है रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज आर्गन पाइप। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शेयरिंग स्क्रीन रिलेटेड टू द क्लोज आर्गन पाइप। ये देखो, आई थिंक आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्लोज आर्गन पाइप का डायग्राम है। ठीक है, जो पहला वाला डायग्राम है दिस इज फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड डायग्राम इज फॉर थर्ड हार्मोनिक एंड थर्ड डायग्राम इज रिलेटेड टू द फिफ्थ हार्मोनिक। ओके, फर्स्ट हार्मोनिक में एक नोट्स होता है और एक एंटी नोट्स होता है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक में दो नोट्स है और दो एंटी नोट्स है। ठीक है, और फिफ्थ हार्मोनिक में थ्री एंटी नोट्स है और थ्री नोट्स है। ठीक है, मतलब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो जो आएगा दिस इज 1:3:5 आएगा। ठीक है, तो देखो ये जो सामने मैंने जो डायग्राम जो शो किया दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ क्लोज ट्यूब या क्लोज आर्गन पाइप। क्लोज ट्यूब और क्लोज आर्गन पाइप बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो अब देखो तो इसी के बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। ठीक है, इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है एंड वी वॉन्ट टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1:3:5। ओके, डायग्राम आई थिंक आप लोग को देख रहा होगा। ये तो दूसरी चीज है, ये जो मैंने सामने स्क्रीन पे शेयर किया दिस इज रिलेटेड टू द क्लोज आर्गन पाइप। ठीक है, अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ओपन आर्गन पाइप का निकाला था और आज के क्लास में हम लोग क्लोज आर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ये आता है 5 मार्क्स में। ठीक है, क्लोज आर्गन पाइप या ओपन आर्गन पाइप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम। आज का टॉपिक है हाँ देखो तो आज का टॉपिक है एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स स्टेशनरी वेव्स
In a closed organ pipe. In a closed organ pipe. ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है, ठीक है. एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है. एक मिनट अच्छे क्लास में तो ठीक है. This is the today's topic, analytical treatment of stationary waves in a closed organ pipe. एक बार आप लोग closed organ pipe का diagram फिर से देख लीजिए, जिसके बारे में आज हम लोग को study करना है. आप लोग को diagram दिखाते हैं. ये देखो, अभी मैंने PPT शेयर किया था ना, ये देखो. This is the diagram related to the closed organ pipe. There are different diagrams for a first harmonic, third harmonic and fifth harmonic. First harmonic is also known as fundamental notes, third harmonic is known as first overtone and fifth harmonic is also known as second overtone. Okay. तो आपको शुरू के तीन हार्मोनिक्स का निकालना है, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है. और ये क्लोज आर्गन पाइप का ये डायग्राम है, इसी के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो आई थिंक डायग्राम सबको क्लियर है. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ क्लोज आर्गन पाइप. ये देखो, तो ये पहला डायग्राम है, जैसा भी मैंने आप लोग को पिक्चर शो किया था बिल्कुल उसी तरह का डायग्राम है, ठीक है. दिस इज द डायग्राम रिलेटेड टू द फर्स्ट हार्मोनिक. ये जो डायग्राम जो है ये फर्स्ट हार्मोनिक का है, ठीक है. वेव्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. ये देखो, waves are traveling from the fixed point. ये waves है, stationary waves, ठीक है. इसको बोला जाता है stationary waves, ठीक है. This is the diagram of first harmonic. इसको बोला जाता है first harmonic. First harmonic. या इसका एक और नाम है, यू नो दैट दिस इज फंडामेंटल नोड. इसको फंडामेंटल नोड भी बोला जाता है, ठीक है. फंडामेंटल नोड. अब देखो, तो देखो ये जिस पॉइंट पे सुपर इम्पोज हो रहा है उसको बोला जाता है नोड्स. देखो यहाँ ये जो पॉइंट जो दिख रहा है जहाँ पे दोनों वेव्स आपस में आके मिल रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है नोड्स. और जहाँ पे दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसको बोला जाता है एंटी नोड्स. ये देखो, ए ए का मतलब एंटी नोड्स और एन का मतलब नोड्स, ठीक है. तो जहाँ पे नोड्स बन रहा है वो पॉइंट आपका है एक्स इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे एंटी नोड्स बन रहा है वहां पे आपका पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है. इस ट्यूब का टोटल लेंथ एल है, इस ट्यूब का टोटल लेंथ एल है, ठीक है. अब देखो, अगेन वी ड्रॉ द सेकंड डायग्राम रिलेटेड टू द क्लोज ऑर्गन पाइप. तो अब देखो, ये सेकंड डायग्राम है, दिस इज फॉर सेकंड हार्मोनिक. ये सेकंड हार्मोनिक के लिए, ठीक है. तो सेकंड हार्मोनिक में दो नोट्स बनता है, ठीक है. तो जैसे देखो, एक इस पॉइंट पे नोट्स बन रहा है, फिर अगला नोट्स इस पॉइंट पे बनेगा और फिर ये आगे बढ़ गया, ठीक है. सेम इसी तरह से सपोज ये सेकंड वेव है और ये एक इधर नोट्स दिया, और देखो एक ये इस पॉइंट पे नोट्स दिया और फिर ये इस तरह से आगे बढ़ गया, ठीक है. तो देखो नोट्स कितने पॉइंट पे मिल रहा है, एक यहाँ पे नोट्स मिल रहा है, एक यहाँ पे नोट्स मिल रहा है, ठीक है. और ये एंटी नोट्स है, और इस पॉइंट पे ये भी क्या है, एंटी नोट्स है. ये आपका क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, और ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है. अब देखो, तो इसी तरह से थर्ड डायग्राम हम लोग बनाएंगे. दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड हार्मोनिक. थर्ड डायग्राम इज रिलेटेड टू द थर्ड हार्मोनिक. ये देखो, ये तीसरा डायग्राम है, ठीक है.
ये देखो ये सारे डायग्राम जो है क्लोज आर्गन पाइप का, ठीक है, अलग अलग हार्मोनिक के लिए। तो यहाँ पे आपका जो स्टेशनरी वेव जो है, यहाँ पे टोटल जो है 3 नोट्स बन रहा है, ठीक है, देर आर 3 नोट्स, 1 यहाँ पे बना, 2 यहाँ पे बना, फिर 3 यहाँ पे बना, फिर ऐसे आगे बढ़ गया, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट नोट्स, फिर ये आपका यहाँ पे सेकंड नोट्स, और फिर ये देखो यहाँ पे थर्ड नोट्स, ठीक है। तो जहां पे वेव सुपर इम्पोज हो रहा है, सुपर इम्पोज का मतलब मिलना, जिस पॉइंट पे वेव सुपर इम्पोज हो रहा है उस पॉइंट को नोट्स बोला जाता है। तो देखो एक नोट्स यहाँ पे मिल रहा है, वेव्स यहाँ पे सुपर इम्पोज हो रहा है, दूसरा पॉइंट देखो ये यहाँ पे भी सुपर इम्पोज हो रहा है, ये भी क्या देगा नोट्स, और देखो यहाँ पे भी वेव सुपर इम्पोज हो रहा है, यहाँ पे भी क्या देगा नोट्स, ठीक है। और ये देखो बाकी के पॉइंट्स पे ये क्या मिल रहा है, एंटी नोट्स, ए ए और ए, ओके। तो आई थिंक डायग्राम आप लोग को क्लोज आर्गन पाइप का समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। देखो ये डायग्राम उसी तरह है जैसा मैंने आप लोग को स्क्रीन पर शो किया था, ये देखो, ये देखो, ये है ना डायग्राम आप लोग को दिख रहा है ना, बिल्कुल ये सेम डायग्राम मैंने प्लॉट किया है, ठीक है। तो अभी जो मैंने जो डायग्राम जो प्लॉट किया है बिल्कुल सेम इसी तरह का ही डायग्राम है। तो शुरू के 3 का निकालना है, फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक, ओके। अब देखो कहाँ चला गया, तो अब देखो, तो ये फर्स्ट हार्मोनिक था, इसको बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, या इसी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। और ये वाला जो दिस इज द फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है, इसको बोला जाता है फिफ्थ हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, सेकेंड ओवरटोन। अब देखो तो ये अलग अलग हार्मोनिक के लिए हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट बोथ दिस स्टेशनरी वेव्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। तो बताइए जो सबसे पहला वाला जो प्रोग्रेसिव वेव्स है उसका इक्वेशन क्या होगा, कोई बता सकता है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स? पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, यस बिल्कुल सही, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। यू नो दैट y इज इक्वल टू होता है y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ना ये पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे कि ये आपका प्रोग्रेसिव वेव्स का एक कलेक्शन होता है, ये दो अलग अलग प्रोग्रेसिव वेव्स मिलकर के आपको क्या दे रहा है, स्टेशनरी वेव्स। तो ये ऊपर वाले प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वेशन है, y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t सपोज ये प्लस kx है, ठीक है। अब इसी तरह से अनदर इक्वेशन ऑफ Another equation of second progressive waves. Another equation of second progressive waves. तो बताइए कोई बता सकता है कि दूसरे वाले progressive waves का equation क्या होगा? कोई बता सकता है? जो नीचे वाला जो waves दिख रहा है, Y2. दूसरे वाले वेव्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट है ना, दूसरे वाला जो वेव्स, यस बिल्कुल सही, वाई टू इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का इक्वेशन है जिससे मिलकर के ये आपका स्टेशनरी वेव्स बना हुआ है, ठीक है। यू नो दैट स्टेशनरी वेव्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोग्रेसिव वेव्स, ओके। एंड यू नो दैट देयर इज द सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, इक्वेशन ऑफ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, कोई बता सकता है?
यस बिल्कुल यस बिल्कुल सही, सही। y इज इक्वल टू y वाई वन प्लस वाई टू होता है ना, इज इक्वल टू वाई बिल्कुल वन सही। प्लस वाई टू होता है ना, बिल्कुल सही। तो y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई दिस इज टू, द इक्वेशन ऑफ द सुपर दिस इज इम्पोजिशन द ऑफ वेव्स। इक्वेशन ऑफ द सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। ओके वाई वन वाई टू आपको पता है, वैल्यू पुट वाई कर वन दो, वाई ठीक टू है। आपको पता है, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो बताओ y इज इक्वल टू आ जाएगा, बताओ y वन की y जगह इज क्या इक्वल पुट टू आ करेंगे? जाएगा, y वन की जगह क्या पुट करेंगे? ए साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस के ओमेगा एक्स। टी प्लस के एक्स। और बताओ y टू की जगह क्या पुट और करेंगे? बताओ y टू की माइनस जगह क्या ए पुट करेंगे? माइनस ए साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना, माइनस के एक्स ना, ए कॉमन हो जाएगा, ए कॉमन हो जाएगा, ए इज कॉमन, ए इज कॉमन। तो बताओ y इज तो इक्वल टू आ बताओ गया y इज इक्वल टू आ गया, ब्रैकेट में ब्रैकेट साइन में ओमेगा साइन टी ओमेगा टी प्लस प्लस के एक्स के एक्स माइनस साइन माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक माइनस है। के एक्स, ठीक है। अब जरा ये बताओ अब जरा साइन बताओ सी साइन माइनस सी साइन डी का माइनस कोई साइन डी फॉर्मूला का बता फॉर्मूला सकता है? बता सकता है? साइन सी साइन माइनस सी साइन डी, माइनस ट्रिग्नोमेट्री साइन डी। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े में आप लोग होगे, पढ़े होगे साइन सी माइनस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी। कोई बता सकता है? हाँ साइन सी माइनस साइन डी का साइन फॉर्मूला, सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला प्लीज टेल मी। यस हाँ बिल्कुल सही, हाँ केवल बिल्कुल शरत सही, ही बता केवल रहा है, शरत ही बता रहा, बाकी के लोग तो आंसर बाकी दे के ही लोग नहीं तो रहे। आंसर दे नहीं रहे। टू कॉस कॉस सी प्लस सी डी बाई प्लस टू डी बाई टू इंटू इंटू साइन साइन सी माइनस सी डी बाई टू, माइनस यही डी होता बाई है ना टू, यही फॉर्मूला, होता ये है आप लोग फॉर्मूला, ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े ट्रिग्नोमेट्री होंगे, में पढ़े होंगे। ये साइन सी ये साइन माइनस सी साइन डी माइनस का साइन डी फॉर्मूला का है, ठीक है। फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी अब फॉर्मूले इसी को तुम्हें फॉर्मूले को यहाँ पे तुम्हें यहाँ अप्लाई पे करना है, अप्लाई ठीक है। करना, ठीक है। ये जो ये फॉर्मूला जो है फॉर्मूला है इस फॉर्मूले इस को फॉर्मूले तुम्हें को यहाँ पे तुम्हें यहाँ अप्लाई पे करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है। तो तो देखो देखो तो पुट कर दो तो यहाँ पुट पे, कर दो यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट कर वैल्यू देंगे। पुट कर देंगे। तो तो देयरफॉर देयर फोर वाई इज वाई इक्वल इज टू आ इक्वल टू जाएगा आ जाएगा ए, ए, और और ट्रिग्नोमेंट्री का ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ये यहाँ पुट फॉर्मूला कर दो, यहाँ पुट ठीक है। कर दो, ठीक है। सी की जगह सी की ओमेगा जगह टी प्लस ओमेगा के टी एक्स रख प्लस के देंगे, एक्स रख और देंगे, डी की और जगह डी की जगह ओमेगा टी ओमेगा माइनस के टी एक्स, माइनस ठीक है। के एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा तो ये आ टू जाएगा कॉस कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस के प्लस एक्स, के एक्स, और ये और ये प्लस प्लस ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ना, के एक्स ना, और अपॉन और कितना हो अपॉन जाएगा? कितना हो जाएगा? टू। टू। और बताओ और दूसरा बताओ वाला क्या है? दूसरा वाला दूसरा क्या? वाला दूसरा साइन वाला है ना, साइन है, साइन सी साइन माइनस सी डी बाई माइनस टू। डी बाई टू। तो सी की जगह तो क्या सी की पुट जगह करेंगे? क्या पुट सी की करेंगे? जगह पुट सी की जगह करेंगे पुट करेंगे ओमेगा टी ओमेगा टी प्लस के प्लस के एक्स, एक्स, और और माइनस डी की माइनस जगह डी क्या की पुट जगह क्या करेंगे? पुट करेंगे? ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के ठीक है। एक्स, ठीक है। और ये और ये अपॉन कितना है? अपॉन कितना है? अपॉन टू। अपॉन टू। अब बताओ अब बताओ तो यहाँ पे तो क्या यहाँ क्या पे क्या कैंसिल हो क्या रहा है? कैंसिल आई हो रहा है? थिंक आई थिंक प्लस के एक्स प्लस के माइनस एक्स के एक्स माइनस के कैंसिल, एक्स कैंसिल, और बताओ क्या और कैंसिल बताओ हो क्या रहा है? कैंसिल हो रहा है? देखो इसमें देखो ओमेगा इसमें टी ओमेगा टी कैंसिल ओमेगा हो टी गया, कैंसिल ठीक हो है। गया, ठीक है। तो बताओ तो वाई इज बताओ इक्वल वाई टू इज इक्वल आएगा टू टू आएगा ए टू ए कॉस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टू ए टी कॉस ओमेगा टू ए टी, और कॉस ओमेगा इनटू टी, इसमें आ और जाएगा इनटू इसमें आ जाएगा साइन के एक्स। और साइन देखो के ये एक्स। आ गया और देखो ये इक्वेशन आ ऑफ गया इक्वेशन स्टेशनरी ऑफ वेव्स स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज इन ऑर्गन क्लोज पाइप, ऑर्गन पाइप, दिस इज द इक्वेशन दिस इज द ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज इन ऑर्गन क्लोज पाइप, ठीक ऑर्गन है। पाइप, ये ठीक है। इक्वेशन ये याद इक्वेशन रखिएगा, याद रखिएगा, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बहुत मान इम्पोर्टेंट लो है। एग्जाम में अगर मान लो आपको एग्जाम सॉल्व में करने आपको नहीं आ सॉल्व रहा है, करने नहीं आ रहा है, तो आपने अगर तो आपने इक्वेशन अगर भी अगर लिख इक्वेशन दिया भी तो अगर आपको लिख दिया नंबर तो कुछ आपको नंबर कुछ नंबर नंबर आपको आपको जरूर जरूर मिल मिल जाएगा, जाएगा, ठीक ठीक है। है। अब देखो अब देखो तो तो अब अब इसके बाद इसके जो है आपको बाद क्या जो है करना आपको है, क्या करना है? आपको यहाँ आपको पे यहाँ नोट्स पे और एंटी नोट्स और नोट्स एंटी का नोट्स पोजीशन का निकालना है पोजीशन और फिर निकालना है, और फिर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। निकालना है, ठीक है। फॉर फॉर एंटी एंटी नोट्स, फॉर नोट्स, द फॉर द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, फॉर द फॉर पोजीशन द ऑफ, पोजीशन ऑफ, फॉर द फॉर पोजीशन द ऑफ पोजीशन ऑफ एंटी नोट्स, एंटी नोट्स, ठीक है। ठीक है। तो बताओ बताओ एंटी नोट्स के एंटी केस नोट्स में के केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम मिनिमम होता है कि होता है? कोई मिनिमम बता होता है? कोई सकता है? बता सकता है? कोई बता कोई सकता है बता कि सकता एंटी है कि नोट्स के एंटी लिए नोट्स के लिए डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है कि मैक्सिमम होता मिनिमम है कि होता है? मिनिमम होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम, ओके। ओके।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम है, और बताओ y की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब कि ये जो पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन निकालना है तो हम लोग ये साइन वाला टर्म लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पोजीशन अगर निकालना है तो ये साइन kx वाला टर्म्स लेंगे, क्यों? क्योंकि साइन kx जो है, साइन kx में साइन x पे डिपेंड कर रहा है, एंड यू नो दैट x मींस पोजीशन, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन kx लेंगे, ठीक है। तो बताओ साइन के एक्स, और सपोज हम लोग जो पॉइंट जो ले रहे हैं उस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू क्या है, एल, और वाई हमारा क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। वाई मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो पुट कर दो, तो देयर फोर बताओ साइन के एल, साइन के एल, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन, बिल्कुल सही, प्लस वन, ठीक है। तो साइन के एल इज इक्वल टू प्लस वन, ओके। तो जरा ये बताओ साइन के एल अगर वन है तो ये किसकी वैल्यू होती है, यू नो दैट दिस इज साइन पाई बाई टू, ये साइन पाई बाई टू होता है ना, साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, ठीक है। अब जरा ये बताओ, तो अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना है, तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में शायद पढ़े होंगे, साइन टू एन पाई, साइन टू एन पाई माइनस पाई बाई टू, सॉरी ये टू नहीं होगा, साइन एन पाई माइनस पाई बाई टू, ओके। तो देयरफॉर तो बताओ ये आपको मिल जाएगा के एल, के एल इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस वन बाई टू इनटू पाई, ओके। के की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज टू पाई अपॉन लैम्डा इनटू एल, एंड दिस इज इक्वल टू एन माइनस हाफ इनटू पाई, ओके। तो देखो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, और हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ। तो देयरफॉर बताओ ये आपको क्या मिल गया, दिस इज टू एल बाई लैम्डा, एंड दिस इज इक्वल टू टू एन माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा फोर एल, फोर एल अपॉन टू एन माइनस वन, ओके। तो ये आपको क्या मिल गया, व्हाट इज दिस, दिस इज वेवलेंथ, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ, ओके। लेकिन ये बताओ हम लोग को तो फ्रिक्वेंसी निकालना है ना, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, कोई बता सकता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, कोई बता सकता है, यस, या न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, यही होता है ना, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू होता है वी अपॉन लैम्डा। आप लोग क्लास नाइन में पढ़े होंगे साउंड वेव्स के बारे में, तो वहाँ ये फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, ओके। तो वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की जगह क्या पुट करेंगे, फोर एल अपॉन टू एन माइनस वन, ओके, टू एन माइनस वन ऊपर चला जाएगा, तो बताओ न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा v इंटू टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर एल, ओके। तो देखो ये आ गया फ्रीक्वेंसी ना, ये आ गया फ्रीक्वेंसी, और देखो यही तुम्हें फाइंड आउट करना था, ठीक है, यही तुम्हें प्रूव करना था, ठीक है। अब देखो तुम्हें फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक के लिए निकालना है, तो फर्स्ट हार्मोनिक, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, ध्यान देना, फॉर फर्स्ट हार्मोनिक, तो बताओ फर्स्ट हार्मोनिक के लिए n कितना लेंगे, n, यस बिल्कुल सही, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए n इज इक्वल टू वन होगा, बिल्कुल सही, तो बताओ ये हो जाएगा न्यू वन, न्यू वन इज इक्वल टू हो जाएगा v टू इंटू वन माइनस वन और डिवाइडेड बाई फोर एल ना, तो न्यू वन बताओ न्यू वन कितना आ जाएगा, दिस इज टू वी अपॉन टू, सॉरी टू नहीं होगा, वी अपॉन फोर एल, तो बताओ ये आपको क्या मिल गया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक वी अपॉन फोर एल, ओके। देखो सामने मैंने डायग्राम बनाया था ना, अलग अलग हार्मोनिक, ये देखो
ये फर्स्ट हार्मोनिक के लिए, ये थर्ड हार्मोनिक के लिए और ये फिफ्थ हार्मोनिक के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग हार्मोनिक के लिए आपको फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो ये मैंने अभी ऊपर वाले का निकाला है, फर्स्ट हार्मोनिक का। अब इसी तरह तुम्हें निकालना है थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। तो देखो, तो अब हम लोग को निकालना है थर्ड हार्मोनिक के लिए, ठीक है। तो अब देखो, फॉर थर्ड हार्मोनिक, फॉर थर्ड हार्मोनिक, बताओ थर्ड हार्मोनिक के लिए एन कितना लेंगे? थर्ड हार्मोनिक के लिए कोई बता सकता है? टू। बाकी के लोग तो आंसर दे ही रहे हैं, केवल शरत ही आंसर देता है। एन इज इक्वल टू टू, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा न्यू टू इज इक्वल टू वी टू इंटू टू माइनस वन और डिवाइडेड बाय 4L। ओके, तो न्यू टू इज इक्वल टू आ जाएगा 3V अपॉन 4L ना। तो देखो ये आ गया थर्ड हार्मोनिक के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर थर्ड हार्मोनिक, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक। ये देख रहे ना डायग्राम, भाई मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ थर्ड हार्मोनिक। इसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना है? 3V अपॉन 4L। ओके, अब इसी तरह लास्ट एक और बच रहा है फिफ्थ हार्मोनिक। अब आपको फाइंड आउट करना है फिफ्थ हार्मोनिक के लिए, ठीक है। तो देखो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए कैसे निकालेंगे, तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए इस बार एन कितना लेंगे? व्हाट इज एन? और कोई बताएगा शरत के अलावा? फिफ्थ हार्मोनिक के लिए एन कितना लेंगे कोई बता सकता है? जैसे फर्स्ट हार्मोनिक के लिए एन कितना था? वन। थर्ड हार्मोनिक के लिए एन कितना था? टू। उसी तरह फिफ्थ हार्मोनिक के लिए एन कितना होगा कोई बता सकता है? थ्री होगा। केवल शरत ही बता रहा और कोई आंसर ही नहीं दे रहा। फिफ्थ हार्मोनिक के लिए एन इज इक्वल टू थ्री होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में पुट कर दो। सिंस न्यू इज इक्वल टू, आपको पता है, वी टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 4L। तो आपको यहां से न्यू 3 मिल जाएगा। एन की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4L। ओके, तो बताओ न्यू 3 कितना आ जाएगा? व्हाट इज न्यू 3? दिस इज 5V अपॉन 4L ना। तो देखो ये आ गया फ्रीक्वेंसी, न्यू 3 इज इक्वल टू 5V अपॉन 4L। ओके, अब बताओ आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो आएगा एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो, ठीक है। न्यू 1 इज टू न्यू 2 इज टू न्यू 3। तो न्यू 1 के जगह पुट कर देंगे v अपॉन 4l और न्यू 2 के जगह पुट कर देंगे 3v अपॉन 4l और न्यू 3 के जगह पुट कर देंगे 5v अपॉन 4l। ओके, और सबको v अपॉन 4l से डिवाइड कर दो। तो बताओ v अपॉन 4l से अगर डिवाइड करेंगे देन बताओ यहाँ आपको मिल जाएगा 1, यहाँ आपको मिल जाएगा 3 और यहाँ आपको मिल जाएगा 5, 1:3:5। ओके, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो है, यही प्रूफ करना था। एंड दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, दिस इज फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाला गया था, ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। माई सेल्फ प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल।